हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना पुराना टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, इस टॉपिक पे थोड़े से क्वेश्चंस अभी हमारे रहते हैं, वो हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने घर में स्टडी किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ प्रोसेस, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल में क्या करना है, वाई वाले एक तरफ कर देने और एक्स वाले एक तरफ कर देने। तो जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक्स स्क्वायर इनटू वाई प्लस वन को एज इट इज रहने दिया और ये पूरी टर्म मैं उससे ले गया, तो कितना आ गया, माइनस वाई स्क्वायर इनटू एक्स प्लस वन। अब आप वाई वाले एक तरफ कर लो, ठीक है, ये देखो वाई प्लस वन मैंने इसी तरफ रखा, वाई स्क्वायर नीचे ले आया और इधर डी वाई को वैसे ही रखा, ठीक है। अब ये जो x है, एक्स स्क्वायर उधर चल जाएगा नीचे, तो इधर x प्लस वन तो इधर ही है, इसी साइड है, एक्स स्क्वायर बेस में आया और जो dx है वो इधर आ गया और जो माइनस है वो किसी एक के साथ लगा दो, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है, हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था, अगर ऊपर कोई भी न्यूमिनेटर में ज्यादा टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में एक टर्म हो, मतलब न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हो, तीन टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में एक टर्म हो, तो हम उसको सेपरेट करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम सेपरेट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर, एलसीएम लेंगे वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ ट्रिक्स थी जो आपको ट्वेल्थ क्लास में अच्छे से समझनी थी। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इधर ऐसे आ गया। अब थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन अपॉन वाई, ठीक है, और जो वन अपॉन वाई स्क्वायर है ये ऊपर चल जाएगा वाई की पावर माइनस टू डी वाई, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। तो आप देख पा रहे हो जो वाई वेरिएबल है उनको मैंने एक तरफ कर दिया और एक्स वालों को मैंने एक तरफ कर दिया। अब हम करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वीकेंड, ऑन इंटीग्रेटिंग वीकेंड, जब आप इसके इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स को क्या मिल जाएगा, वन अपॉन वाई प्लस वाई की पावर माइनस टू डी वाई, माइनस बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है वन बाई वाई की डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होती है लॉग वाई, और y की पावर माइनस टू की होती है, एक ऊपर बढ़ा दो तो माइनस वन हो जाएगा और वही सेम नीचे लिख दो, और इससे माइनस बाहर वन बाई एक्स की होगी लॉग एक्स, और x की पावर माइनस टू की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एक पावर बढ़ा दो और वही नीचे रख दो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग वाई, माइनस इधर आ गया और वाई की पावर माइनस वन को वन बाई वाई, और इधर माइनस लॉग एक्स माइनस इधर आ गया और ये वन बाय एक्स प्लस सी। और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, लॉग वाई माइनस वन बाय वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस वन बाय एक्स प्लस सी। अब जो लॉग एक्स है वो इस साइड आ गया तो कितना आ गया, लॉग वाई प्लस लॉग एक्स, ये 1 by y उस तरफ चला गया, तो 1 by x तो उधर था ही, 1 by y प्लस का आ गया ऐसे। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ गया, log x y, और इधर कितना आ गया, एलसीएम ले लोगे तो y प्लस x अपॉन x y प्लस c, ठीक है। तो आप इधर तक भी छोड़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, इस साइड से log हटा दो, तो हमें पता जब हम लॉग हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस सी, वो पूरी एक्सपोनेंशियल पे चल जाएगी,
उसके बाद इस एक्स वाई को वैसे रख दो, e की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, और e की पावर c को हम अनदर कांस्टेंट मान लेंगे a, तो e की पावर c a, और ये आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। इधर तक भी आप स्किप कर सकते हो, इधर तक भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, और इधर लिखना है वेयर a इज इक्वल टू e की पावर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इधर तक भी कर सकते हो और ऊपर वाले तक भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात कर लिया करूँगा। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व y प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। एक बार जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आंसर बुक पे भी देख लेते हैं, हाँ उसका आंसर यही दिया हुआ है, उधर बुक में ये प्लस सी इन्होंने स्किप कर दिया, वो बाई मिस्टेक कर दिया, बाकी आंसर इधर तक ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी आपकी बुक से लिया गया है, क्वेश्चन है आपके पास y प्लस एक्स वाई होल डी होल ब्रैकेट डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस, तो मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस एक्स वाई डी एक्स, और ये उस साइड चल जाएगा, जैसे उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और जब माइनस बनेगा तो मैं इसको शफल कर दूंगा, तो माइनस कंपनसेट का माइनस को आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इससे मैं वाई कॉमन ले सकता हूं, तो रिमेनिंग रहा वन प्लस एक्स डी एक्स, माइनस अंदर भेज दिया तो कितना आ गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया वाई वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से एक्स कॉमन ले लिया तो कितना रहा वाई माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई। अब क्या कर सकते हैं, x वन को एक तरफ कर लो, तो ये वन प्लस एक्स को ऐसे रहने दिया, ये वाला x इधर आ गया और ये dx तो इधर ऑलरेडी था, और इधर y स्क्वायर माइनस वन को वैसे रहने दिया, नीचे गुण आ गया y और ये आ गया dy। फिर वही बात, ऊपर दो टर्म्स तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, वन प्लस एक्स और x बाय एक्स कितना होता है वन, एलसीएम लोगे तो वही बन जाएगा, और इधर y स्क्वायर बाय y y होता है और माइनस वन बाय y एलसीएम लोगे फिर अगेन वही बन जाएगा। तो ये आपने x और y वाले वेरिएबल इकट्ठे इकट्ठे सेपरेट कर दिए, तो मैं लिखूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाओगे स्टूडेंट्स, तो ये कितना बन जाएगा वन प्लस एक्स वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स, और इधर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन y माइनस वन बाय वाई डी वाई। वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है लॉग एक्स, और वन की कितनी होती है एक्स, इधर y की कितनी होती है y की इंटीग्रेशन कितनी होती है वाई स्क्वायर बाय टू, क्योंकि पावर में एक ऐड होता है वही नीचे, और वन बाय वाई की कितनी होती है लॉग वाई, और साथ में आएगा c, और आपको हर क्वेश्चन में मैं नहीं भी लिखूं आपको लिख देना है वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब ये जो लॉग वाई है माइनस का वो इस साइड आ जाएगा, तो इधर क्या बन गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और उस साइड क्या बन गया वाई स्क्वायर बाय टू, एक्स इस साइड चला गया तो माइनस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई है, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन आपके सामने है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो ये आपको सॉल्व करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो सॉल्यूशन में, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, थ्री ई की पावर एक्स टैन बाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स sec स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, थ्री ई की पावर एक्स टेन बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ये उस साइड चल जाएगा माइनस
वन माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं थ्री ई की पावर एक्स टेन बाई डी एक्स, माइनस अंदर चला गया तो इसको चेंज करते हैं ई की पावर एक्स माइनस वन सेक स्क्वायर बाई डी वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो x वाले आप एक तरफ कर सकते हो, थ्री को वैसे रहने दिया, ठीक है, थ्री को वैसे रहने दिया, e की पावर x को वैसे रहने दिया, dx को वैसे रहने दिया, और जो e की पावर x माइनस वन है वो मैं बेस में ले आया, और इस साइड sec स्क्वायर बाई डी वाई को वैसे रहने दिया और tan वाई मैं बेस में ले आया। अब आप देख सकते हो x वाले एक तरफ हो गए हैं और y वाले एक तरफ हो गए हैं। अब आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा थ्री ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर बाई अपॉन टैन बाई डी वाई। अगर आप स्टूडेंट इसको ध्यान से देखो तो थ्री कॉन्स्टेंट है और जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये बना e की पावर x माइनस वन डी एक्स और ये बना sec स्क्वायर बाई टैन बाई। और एक बात और मैं आपको समझा दूं, आप एक बात ध्यान रखना, जब भी इंटीग्रेशन करो, जैसे आप में से आधों को दिख रहा होगा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, कोशिश करना जब आप इंटीग्रेशन करो तो सारे इंटीग्रल को एक ही टाइम पे सॉल्व करो, ताकि आपको एक ही सी लगाना पड़े, नहीं तो आपको एक दो सी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये नीचे फंक्शन है, ये नीचे आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है और ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो बनेगा e की पावर x dx, तो फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव, कल भी मैंने आपको बताया था अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका क्या हो एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं लॉग ऑफ फंक्शन, तो ये आ जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है e की पावर x माइनस वन, नीचे फंक्शन ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, टैन की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है सेक स्क्वायर बाई, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन का मतलब लॉग ऑफ टैन बाई। अब ये भी लॉग में, तो मैंने आपको बोला था आप लास्ट में लॉग सी लगाना और साथ में लिख देना भैया लॉग सी इज़ एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है लॉग एम की पावर एन प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या बताएगी लॉग ई की पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा लॉग tan by into c, log m into n, log m plus log n होता है, ठीक है, log m की पावर n, n log m होता है, ये दो प्रॉपर्टीज लगाई मैंने, log m की पावर n कितना होता है n log m, वो मैंने इधर लगाई, और उधर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई log m into n कितना होता है log m plus log n, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इधर लगाई। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट है तो हमें से पूछ सकते हो, कोशिश कर रहा हूँ डाउट नहीं रहे, ठीक है। दोनों तरफ लॉ कैंसिल हो गए, मॉड होते तो मॉड भी कैंसिल हो जाते, तो क्या आता है e की पावर x माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू टैन वाई प्लस टैन वाई इंटू सी, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और मेथड कौन सा हम कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, या आप बोल सकते हो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर कट ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स उस साइड चला गया तो माइनस टाइम वन प्लस कॉस टू वाई अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स। अब आपको मैंने कल भी बताया था जब भी 1 प्लस कॉस टू वाई होगा तो इसको क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके। अभी कौन सी आइडेंटिटी है मैं आपको इधर लिख के बता देता हूं दोबारा, ये वाली कॉस टू एक्स किसके बराबर है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस वन इस तरफ आ गया तो आ गया 1 प्लस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आइडेंटिटी लगाई मैंने 1 प्लस कॉस 2y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर y। और नीचे वाली आइडेंटिटी क्या है जब 1 माइनस cos 2x होगा तो वो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, तो इसलिए 1 माइनस cos 2x कितना हो गया 2 sin स्क्वायर x। अब ऊपर y है तो नीचे y आएगा, नीचे x है तो नीचे x आएगा, ठीक है।
अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो वाई वाले एक तरफ कर दो, एक्स वाले एक तरफ, ये टू और ये टू कट गया, तो आपके पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई वाले को इस तरफ लाएंगे तो कितना आ गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, डी एक्स उधर चला गया तो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब आप देख पा रहे हो y वाले एक साइड हो गए और x वाले एक साइड हो गए। अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, sec square y dy, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर cosec square x dx। अच्छा, अब अगर बाई चांस आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भूल जाए तो आपको डिफरेंशिएशन के तो याद है, तो आपको क्या याद रखना है, किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन sec square x होती है, तो आपको क्लियरली पता है जब मैं डिफरेंशिएशन किसकी करूंगा, tan x की, तो वो क्या बन जाएगी, sec square x। तो इसका मतलब sec square x की इंटीग्रेशन कौन है, tan x, तो sec square y की इंटीग्रेशन कौन है, tan y। किसकी डिफरेंशिएशन को sec square x होती है, तो आपको पता है जब आप cot x की डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस cosec square x। तो cosec square x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस cot x, तो cosec square x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस cot x, और साथ में क्या आएगा, प्लस c। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कैसे हम कर रहे हैं। एक बार मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ क्या आपको क्लियर दिख रहा भी है नहीं दिख रहा। तो tan की डिफरेंशिएशन होती है sec square, तो sec square की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan, वैसे ही cot की होती है माइनस cosec square, तो cosec square की क्या हो जाएगी, माइनस cot, यहाँ तो आप माइनस cosec square की डायरेक्ट cot कर सकते थे, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, tan y, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया cot x, ये हो गया प्लस c, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो किसके ऊपर थे, वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर थे। तो अभी एक और क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो क्वेश्चन है आपके पास dy by dx प्लस cos x sin y cos x sin y upon cos y is equal to 0। तो ये क्वेश्चन आपके पास एक और है, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं, ये कैसे करेंगे, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल से कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कुछ सॉल्व तो नहीं होता, बिल्कुल सॉल्व होता है, इन्यूमिनेटर में साइन वाई, डिनोमिनेटर में कॉस वाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स को एज इट इज रहने दिया, साइन बाई कॉस कितना होता है, टेन बाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने लेफ्ट साइड रखा, ये उस साइड चला गया, तो बन गया माइनस कॉस एक्स इंटू टेन वाई। अब डी वाई को मैंने वैसे रखा, टेन वाई इधर आ गया, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स ऑन। अभी आप देख सकते हो एक तरफ वाई करती है, एक तरफ एक्स करती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो जैसे मैंने इंटीग्रेशन कर दी तो इधर कितना आ जाएगा, डी वाई टेन वाई, इधर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब जो टेन है, टेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टैन होता है साइन बाई कॉस, तो मैंने लिखा साइन बाई, और कॉस नीचे के बजाय ऊपर चला गया, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन टैन है तो साइन बाई बाई कॉस लिखना, कॉस ऊपर चला गया, नहीं तो टैन को भी कॉट बनाता, कॉट कॉस बाई साइन होता, दोनों का मतलब एक ही है। और इधर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हो नीचे फंक्शन है साइन बाई, और साइन बाई की डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, log of function, तो function को ना आ गया sin by, और cos की integration क्या होती है, differentiation होती है cos की minus sin, ठीक है, cos की differentiation क्या होती है, minus sin, मतलब cos की integration plus sin होती है, ये आप ध्यान रखना, cos की integration क्या होती है, plus sin, minus तो पहले का ही है, तो ये आ गया plus c।
थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखता हूँ बुक में कहाँ तक है, बुक में तो इधर तक ही है, नहीं तो अगर आपने और सिंपलीफाई करना हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर, नहीं तो आप इधर तक भी सोच सकते हो जैसे आपके बुक में इधर तक ही सॉल्व है, ठीक है वो आप देख लेना। तो e की पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी, मैंने बोला था जब भी लॉग लाओगे जो भी उस साइड होगा वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर लगा देना, तो ये आ गया साइन वाई, इधर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिंग, तो e की पावर सी एक अनदर कॉन्स्टेंट होगा, तो ये कितना आ जाएगा साइन वाई e की पावर माइनस साइन एक्स इंटू ए, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, या तो ऊपर तक शॉर्ट हो नहीं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हमने किए, वेरिएबल सेपरेबल, इसमें हम करते क्या थे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते थे, फिर जो एक्स वेरिएबल्स है और जो आपके वाई वेरिएबल्स है उनको हम क्या कर देते हैं सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करने के बाद हम उनको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट के लिए आपको ट्वेल्थ की इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इस सेमिस्टर में ट्वेल्थ की इंटीग्रेशन मस्ट है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो हमें को तब भी बता सकते हो, तो मैं आपको इंटीग्रेशन का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है, जो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया वेरिएबल सेपरेबल, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लेक्चर कोशिश करूंगा आपको रोज प्रोवाइड करने की, ठीक है। और आप भी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, ताकि वो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेमिस्टर फर्स्ट हमारे चैनल से नहीं पढ़ पाए या उनको टाइम पे हमारे लेक्चर नहीं दिखे, उनको सेमिस्टर सेकंड के स्टार्टिंग से ही वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाए। तो अब इस कि आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम कल के लेक्चर पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।